गाइस, दिस इज फ्रेंकली साक्षी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैमरा एक्शन। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आज भी बारिश हुई, बारिश के मौसम चल रहे। उनको कैसे पता, वो शिवपुरी में रहती हैं क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ ना। तो गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि आज सुबह भी बारिश हुई और इस बारिश के चक्कर में हम आज भी एक्सरसाइज करने नहीं जा पाए। तो कल तो मैंने बारिश के गप में थोड़ी नॉर्मली एक्सरसाइज करी, पर ऐसे कब तक चलेगा। इसीलिए मैंने आज अच्छे से, मतलब कि जितनी मैं वहां तक करके आती हूँ वो पूरी एक्सरसाइज कर ली। इतनी करी है कि आज मुझसे डांस भी नहीं हो रहा है और आज हमारा फाइनल शूट है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हम गए थे प्रैक्टिस करने के लिए सॉन्ग की। मैंने कितने दिनों से डांस नहीं किया, मैंने मतलब 15-20 दिन से उगाए थे, मैंने अपनी बॉडी को थिरकाया भी नहीं था। कल मैं इतनी बेइज्जती करवा कर आई हूँ वहां पर कि मेरे कुछ कहने ही नहीं है। 15-20 दिन पहले मैंने डांस किया था और उसके बाद जो मेरी 15 दिन में बॉडी अकड़ी है उसका भरपाई मैंने कल बेइज्जती करवा के कर लिया है। ऐसा नहीं है दीदी, तुमने नॉर्मल किया था, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं करवा के आई, मैं और बेटर कर सकती थी। पर आज मैंने कल शाम को भी प्रैक्टिस करी थी, आज सुबह भी प्रैक्टिस करी है, आज तो मैं बिल्कुल बेइज्जती करवा के नहीं आऊँ, ऐसे भगवान से प्रार्थना है। तुझे नहीं लगता मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ? मेरी सखियां भी कम हो गई है, देख सखियां। सखियां कम हो गई हैं वो मुझे लग रहा है, लेकिन पतली हो गई वो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा पतला ये होता है, मेरी जॉ लाइन दिखने लगी गाइस साइड साइड की। मेरे पतले की बोली तो खुद पतली लगने लगी, तो रहने दे बेटा। मुझे टाइम भी तो कितना हो गया करते करते, और तू तो अभी 5 दिन पहले ही आई है। 7 रात 7 डेज है, सिर्फ 5 दिन और बचे हैं चैलेंज को। 5 दिन कहाँ से बची बहन, 15 दिन है, 8 दिन और बचे हैं। हाँ सही बोला, मेरी मैं सच में खराब है भगवान कसम, मुझे बचपन में ट्यूशन लेना चाहिए था। यस, चने खा लूं फिर उसके बाद मैं आपको ड्रेस कोड बताऊंगी। वैसे आपने देखा होगा ये डाइट की अगर बात आई है तो मैं आपको एक खुशखबरी बताती हूँ। मैं सिर्फ आप ही से शेयर करूंगी क्योंकि खुशी मेरी कॉम्पिटेटर है, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये मेरा 800 ग्राम आई थिंक, हाँ 800 ग्राम मेरा वजन कम हो गया है। ये इन दिनों में नहीं हुआ, मतलब इन दिनों में अभी हुआ है, लेकिन ये पहले से मैं डाइट कर रही हूँ ना, तो उससे धीरे धीरे करके अब मेरी बॉडी रिजल्ट दिखा रही है। देखो, कुछ ऐसी आती थी मेरी डबल चिन, अब देखो नॉर्मली ये हल्की हल्की सी हटने लगी है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये खुशी मैंने सिर्फ आप सबके साथ शेयर करी है, खुशी के साथ नहीं करी, क्योंकि आप सबको पता है खुशी मेरी कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर से मैं 15 दिन बाद मिलूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो वैसे चने तो मैंने खा लिए और खत्म भी होगा यहाँ पर खुशी। ये वाला मैं ड्रेस अप करने वाली हूँ, पर ये थोड़ा सा सुकड़ा सुकड़ा हो रहा है, तो इसको पहले प्रेस कर लेते हैं, फिर मैं इसको पहन के और आप सबको बताऊंगी। तो आप सब भी कमेंट करके बता दो कि ये वाला ड्रेस अप मैंने कल डांस करा था प्रैक्टिस, उसके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। तो गाइस, ये रही 70 साल पुरानी प्रेस, जो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के शादी से पहले की रखी होगी, अंदाजा लगा रही हूँ मैं, वैसे तो मुझे पता नहीं है कब की है ये। मम्मी ये प्रेस कब की है? बहुत पुरानी है। क्यों, 1000 साल पुरानी है? पुश्तैनी क्या ये क्या मेरे? हाँ, पुश्तैनी 12 साल तो पुरानी आते हैं, 10-12 साल। मम्मी सच में चलाऊ चीज लेकर आती है, 12 साल चल गए भाई। एक प्रेस पुश्तैनी हो गई अपने लिए तो सच में, और क्या क्या पुश्तैनी हो सकता है दीदी। मैं तो 100 साल पुरानी हूँ। मैं तो फिर 200 साल पुरानी हूँ। ये वहाँ पे खुशी देखो, उसके अब की खुशी देखने ज्यादा खुशी ईसाई में ही ढीला लग रहा है, मतलब तुम उससे अभी इतनी सी 4-5 किलो ही तो मोटी है आवाज। अरे अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखाइए सर एक बार थोड़ा सा करीब से। थोड़ा और नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद फिट करवाएंगे, और फिर वापस से मोटी हो गई तो खाना ही देना बंद कर। मम्मी खुशी जताइए, आपकी बच्ची पतली होने वाली है, उस चक्कर में खुशी जताइए। और कैसी लग रही हो आप कमेंट में जरूर बताना। हम दोनों ने जो डांस स्टेप्स बनाई है वो कैसी है, इस ड्रेस के हिसाब से फाइन है या फिर नहीं है, कमेंट में जरूर बताना, और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। फिलहाल मैं अपनी बेइज्जती ना करवाने के लिए प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। वैसे दीदी कभी कभी तो समझ में आता है कि तेरे बाल कटे हुए हैं, ज्यादातर उनकी गोई हुई छोटी होती रहती है, या फिर बाल क्लेचर से यहाँ पर वो एंटीना निकला होता है। तो गाइस अभी वहाँ पर जाने में टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रोटी तो मैं खाऊंगी नहीं इस वीडियो में, खाने में खा रही हूँ, कुछ ने अभी तक सतुआ नहीं किया है, तो अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है ना। तो तुम ये भी नहीं खाओगी ना? मतलब नहीं। One hour later. खुशी का पेट दर्द करने लगा है सडनली, अब हम जाने ही वाले थे, वैसे खुशी एकदम से रो पड़ी, पता नहीं क्यों दुख रहा है, लेकिन अभी हमको प्लान चेंज करना पड़ेगा कि हालत नहीं है और शूट वही करेगी, तो फिलहाल हम लोग नहीं जा रहे हैं। डिले किया है शाम तक का, अगर फिर भी नहीं रुका तो देखेंगे, फिर एक दो दिन बाद ही जाएंगे। आर यू फाइन खुशी?
कैंसिल करके आर यू फाइन? चलो रेस्ट कर लो। तो गाइस आज खाने में है लौकी की सब्जी, रोटी और तली हुई मिर्ची। तो गाइस आई गॉट अ पार्सल जिसमें मुझे फ्री गिफ्ट मिलेगा। बस वो पार्सल तो पता है कि क्या पार्सल है, लेकिन उसके साथ जो फ्री गिफ्ट आएगा उसका पता करना है कि है क्या। तो गाइस ये रहा वो पार्सल जिसमें मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स मंगाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। हु इज दिस? आई डोंट नो। हेलो जी, कौन था यार? कस्टमर केयर। जियो जियो जियो, थक गए यार। नहीं रहा मतलब पेरेंट्स, एक दिन में 5-6 कॉल आते हैं, कहाँ तक कस्टमर केयर, थक गए इस कस्टमर केयर से। फिलहाल अपन कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम पे करते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा परफ्यूम का डब्बा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट परफ्यूम से। तो चलो देखते हैं 99 का गिफ्ट क्या है। वो परफ्यूम का डब्बा चाहे 1000 का हो पर गिफ्ट अच्छी 99 वाली लगती है। क्यों मम्मी? मैं भी बड़ी शौक में देख रही हूं। हां मैं भी देखना चाहती हूं। इसको फाड़ने के लिए कुछ लेके आना, नाखून छोटे-छोटे। प्रॉपर शॉट भी बनानी है। देखो और कितनी अच्छी-अच्छी स्मेल आ रही है। बहन मुझे भी दे दे। ये है एक्स्ट्रा। क्या है? यही है, परफ्यूम भी सटका दिया यार, बहुत बेकार वाले हैं ये। और कुछ नहीं है? नहीं, बहुत बुरा फुफट बनाया है इन लोगों ने। वापस करो। शायद यही है, सेम सेम दिखाना। स्किन एक्वेटिक देखा? हाँ। देखा बड़ा। हाँ ये तो चूना लगा दिया। ओ चूना लगा दिया। गाइस मैंने यार समथिंग न्यू टुडे, मोस्टली फ्लेवर ज्यादा चॉकलेट। ये तो चॉकलेट ही निकाल ली है ना डिब्बियों को, तो यहाँ तक उसकी स्मेल आ रही है। उन्होंने दर्शन शरीर को अलग कर दिया, मतलब जिसे अपने से प्रेस कर कमरा में बदबू करे तो जाए सेंट चला कर। मां मैं कैसी बातें करती हो, क्या खुशबू आ रही है। तो गाइस ये देखो मैं कितनी पतली हो गई कि ये पीछे का एक अलग पार्ट रखा है जिसमें दूसरा पैर आएगा और एक उसमें ही मैंने अपने पैरों को फिट कर लिया। तो गाइस मैं सीरियसली पतली हो रही हूँ। मुझे अब पता चला है कि मेरी जो थाइज है वो कम हो रही थी, ना कि मेरा फेस वगैरह, ये सब। वेरी हैप्पी। तो गाइस सुबह से शाम हो गई और हमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा है, खास करके इस लड़की ने। और इसका जो पेट दर्द कर रहा था ना, वो हमने उसको दवाई दे दी, अब उसका सही भी हो गया। वो होता है ना कि एक सुई लगने से भी वीकनेस आ जाती है, तो बस उसको वो ही आ गई है। तो आज मैंने कैंसिल ही कर दिया। मम्मी की हो गई है चोटी मंदिर जाने के लिए, मैं यहाँ पर रेडी हूँ तारीफ करने के लिए क्योंकि मेरा वेट लूज हो रहा है ना, इसीलिए। परफ्यूम जो मैंने आपको बताए थे ना दोपहर में, गाइस बहुत शानदार है, लॉन्ग लास्टिंग है। अभी तक खुशी के हैंड पे खुशी ने स्प्रे किया था, स्मेल आ रही है। दो दिन बाद वॉश भी कर ली है उसके बाद भी नहीं गई। गाइस बहुत अच्छा परफ्यूम है और ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, कंपनी की तरफ से हमको घंटा भी नहीं मिलना है। अगर आपको पसंद है तो आप खरीदो, तो मेरे को बैंक अकाउंट में 10-10 रुपए तो डाल ही देना। वैसे गाइस मैं ये तो बोलूंगी नहीं कि मैं मजाक कर रही हूँ, पर मैं सीरियस भी नहीं हूँ। तो अगर आपको ये परफ्यूम चाहिए, इसका लिंक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट भी बता देना, मैं जरूर डाल दूंगी। इसके नाखून देखो गाइस, इसके नाखून शेरनी के जैसे होते हैं ना वैसे ये। मैं तेरी शकल को गधे की शकल लगाऊं और ये नाखून तेरे अपने हैं, तो ये कौन लगेगी तू बता? गधा नहीं, इंसान, क्योंकि तेरी शकल और गधे की शकल सेम है ना। जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं मैं उनका रिप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभिषेक की तरफ से है, यू कैन यूज चारकोल फेस मास्क ऑफ अरवन गबरू। गाइस एक बार मैंने ट्राई किया था, अरवन गबरू का तो पता नहीं है, लेकिन मैंने एक बार चारकोल यूज किया था, उसके बाद जो मेरे फेस पे पिंपल निकली हैं क्योंकि वो खिंचता है और उसके खिंचाव से मेरे फेस पे बहुत सारी पिंपल निकल आई थी। तो मुझे आई थिंक उस चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जब से आप मुझे देखते आए होंगे मेरे फेस पे ज्यादा पिंपल्स नहीं होती है, वो टच टच वुड। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन है मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, उनकी तरफ से क्वेश्चन है, आप लोग चावल क्यों नहीं खाते हो? गाइस चावल मेरे को इतने ज़्यादा पसंद है, और मेरे को ही नहीं खुशी को भी, साथ में हम हर चीज़ से चावल, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, मतलब जिस चीज़ से चावल नहीं खेलते, आलू चावल भी खाए एक बार तो हमने। तो मुझे और खुशी को इतने चावल पसंद है बहुत ज़्यादा, पर अभी हमने डाइट शुरू करी है तो हमको ऐसा लगता है कि चावल में ज़्यादा कैलोरीज रहती हैं, फैट होता है, प्रोटीन कम रहता है, तो उस चक्कर में हम सिर्फ रोटी खाते हैं। पहले ही हमने ढेर सारी वीडियोस देख ली कि चावल अच्छा होता है रोटी से, पर क्यों पता नहीं हम बिलीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि बचपन से ही सुना है ना ये सेंटेंस, चावल बाद ही करते हैं, तो उस पर हम विश्वास नहीं कर पा रहे। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है, उर्वशी उपाध्याय, तुम में से बड़ी कौन है? तो मैं तो यहाँ पर हूँ, दूसरी बारी को बुला लेते हैं। खुशी आशा बेटा, हाँ तो जहाँ पे खड़ी थी तो बुला लेते हैं का क्या मतलब? बुला लेते हैं मतलब ब्लॉग में बुला लेते हैं। तो मैं बड़ी, हाँ। तो गाइस इसका आंसर तो आप सभी देंगे, यूनिवर्स का मानना है और हम सबका जानना है कि बड़ी बहन हमेशा, छोटी बहन हमेशा,
होती है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नहीं पहले बोलो कुछ क्या बोलूं। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा पासा मुझे ना सच में डाउन हूं। हां पिंपल्स के बारे में क्वेश्चन अलर्ट ऐसे बताइए आप। वो मेरी सखी है मुझसे दूर नहीं जाती। मैं पता है ऐसे चढ़ाती हूँ खुशी को फिर मैं भी नहीं से प्यार देती हूँ तेरे को। खुशी की बेस्ट फ्रेंड पिंपल ने अगर मेरा साथ पकड़ लिया ना तो मुझे बहुत आ ही रही है बस रास्ते में ही है। आप शादी कब करोगी और आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मोनिका सिकरवार। अरे यार जले पर नमक छिड़क दिया आपने। ऐसा मैं सोचना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मैं कौन हूँ फिर? तू अपनी दूसरी चीज की बेस्ट फ्रेंड है। खुशी के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल माय प्लेजर। बहुत अच्छे लगते हैं गाइस क्योंकि सिलेक्ट मैं करती हूँ, पे मैं करती हूँ। हाँ शॉपिंग ये करती है, बाकी सिलेक्ट मैं करती हूँ, पे मैं करती हूँ, बाकी और क्या चाहिए खुशी को। तो गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा घूमने आए हैं क्योंकि खुशी का स्टोमक पेन शायद खाना ना पचने की वजह से हो रहा था। मैंने कल रात को खाना खाया ही नहीं चाहे। नहीं फिर भी होता है कभी कभी, मैं उसको घुमाने के लिए लेके आई हूँ। साथ ही साथ मैं भी घूम लूंगी, मैं तो खाना खाने के बाद हमेशा घूमती हूँ। उल्टे मोटू बैठ जाओ तो बच्चे राशन में। हाँ तो चलो गाइस दो तीन दिनों से मेरा अच्छा है कि मैं लेट खाना खाती हूँ, फिर उसके बाद रात का खाना थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज मैं भी करूंगा, दो दिनों से खाना नहीं खाया है और आज भी नहीं खाऊंगा, ऐसी मेरी भगवान से इच्छा है क्योंकि जब खाना सामने आता है तो अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखूं। तो गाइस आज कुछ खास वैसे किया नहीं लेकिन एंटरटेनिंग तो फुल रहता है, और आपको कितना लगा वो आप कमेंट में जरूर बताना। ओके गाइस चलो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय। आई होप आपको इस ब्लॉग में एंटरटेन आया होगा, सबसे ज्यादा मजा तो आपको सिस्टर कौन सी बड़ी है उस वाले क्वेश्चन में आया होगा। वैसे गाइस आप लोग भी कमेंट में बताई दो कि हम में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जिसने क्वेश्चन पूछा है वो कमेंट पे जाके देख लेना। चलो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक बाय बाय।